भोपाल से है, जहां पर वर्षों पुराने पत्रकार भवन को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। कलेक्टर और कमिश्नर के राउंड के बाद सुबह 5 बजे से भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पत्रकार भवन की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि जनसंपर्क विभाग ने पत्रकार भवन को 30 सालों के लिए लीज पर दिया गया था इसको, और जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी पत्रकार संघ अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को पत्रकार भवन अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए थे। 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन ने पत्रकार भवन में ताला जड़ दिया था। उसके बाद सुबह सोमवार के 5 बजे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मामले को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने पत्रकार समितियों की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पत्रकार भवन जो है वो जर्जर हो गया था, पत्रकारों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन बनाया जाएगा। आप लोग बताएंगे, वहाँ निर्माण हुआ जिससे सरकार निर्माण करेगी, और निर्माण करके पत्रकारों के हित में वहाँ एक मीडिया सेंटर बनेगा, लाइब्रेरी, इस तरह का एक कंसेप्ट है जिसको हम उजागर करेंगे उसके बाद जब सब चीजें तय हो जाएंगी।